गुवाहाटी में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को 16 रनों से हराकर सीरीज में 2-0 की बढ़त ले ली है। भारतीय टीम के स्टार प्लेयर सूर्य कुमार यादव का दमदार प्रदर्शन जारी है। इस मुकाबले में सूर्य कुमार ने 18 गेंदों पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जड़ दिया। इसके साथ ही वो T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले संयुक्त रूप से दूसरे भारतीय बन गए हैं। उन्होंने 22 गेंदों पर 61 रनों की बेहतरीन पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 5 छक्के लगाए। इस मामले में सूर्य ने KL राहुल की बराबरी की है। KL राहुल ने साल 2021 में स्कॉटलैंड के खिलाफ दुबई में 18 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था। इस लिस्ट में टॉप पर भारत के पूर्व स्टार खिलाड़ी युवराज सिंह हैं। उन्होंने साल 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ डर्बन में 12 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था। T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक की बात करें तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर युवराज सिंह का नाम आता है। युवराज सिंह ने 2007 में डर्बन में 12 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था। इसके अलावा KL राहुल ने 18 गेंदों में दुबई में अपना अर्धशतक पूरा किया था। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव का नाम आता है। सूर्य कुमार यादव ने कल के मैच में गुवाहाटी में 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। सूर्य कुमार यादव ने अपनी इस पारी की बदौलत T20 इंटरनेशनल में अपने 1000 रन भी पूरे कर लिए। सूर्य ने 32 मैचों की 31 पारियों में 1000 रन पूरे किए हैं। इसी के साथ वो भारत की ओर से सबसे कम पारियों में 1000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इस मामले में विराट कोहली पहले और KL राहुल दूसरे नंबर पर है। कोहली ने 27 और KL राहुल ने 29 पारियों में 1000 रन पूरे किए थे। इसके साथ ही सूर्य कुमार यादव T20 इंटरनेशनल में बॉल के हिसाब से सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले गेंदों के हिसाब से सूर्य कुमार यादव सबसे पहले नंबर पर है। सूर्य कुमार यादव ने 573 बॉलों में अपने 1000 रन पूरे किए हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर डैन मैक्सवेल हैं, जिन्होंने 1000 रन पूरे करने के लिए 604 गेंदें ली थी। लिस्ट में तीसरे नंबर पर कॉलिन मुनरो हैं, जिन्होंने 635 बॉलों में अपने 1000 रन पूरे किए थे। इसके अलावा T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 1000 रन पारियों के हिसाब से अगर बात करें तो विराट कोहली ने 27 पारियों में 1000 रन पूरे किए थे। KL राहुल को 1000 रन पूरे करने के लिए 29 पारियां लगी थी, जबकि सूर्य कुमार यादव ने 31 पारियों में अपने 1000 रन पूरे किए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि खेल जगत से जुड़ी कोई भी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन स्पोर्ट्स।